नमस्कार, मैं जीशान जावेद, आप देख रहे हैं न्यूज नेटवर्क टुडे का सिटी सेंटर रीवा। मेरे साथ देखिए दिन भर रीवा में क्या घटा, क्या कुछ हुआ। कर्ज के बोझ से दबे कपड़ा व्यापारी ने सल्फास खाई, संजय गांधी अस्पताल में हुई मौत, व्यापारी की दो पुत्र एक पुत्री। व्यापारी सतना सिटी सतकुबारी थाना अंतर्गत मुख्तियारगंज का रहने वाला है। परिवार वालों का कहना, पहले शराब पी फिर खाई सल्फास। अफ्रीकन स्वाइन फ्लू की वजह से मारे गए सूअरों के मुआवजे के लिए बसोर समाज के आंदोलन के 43 दिन पूरे हुए। इस दौरान एक भी अधिकारी नेता नहीं पहुंचा उनकी समस्या जानने के लिए। आंदोलनकारियों का कहना, लड़ेंगे और जीतेंगे। रीवा शहर सरकार मंत्रिमंडल MIC की बैठक में लीज, भूखंड, दुकान, MIG मकान के ब्याज में छूट से कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। वहीं इको पार्क अवैध कॉलोनी को लेकर सवाल भी उठाए गए। संजय गांधी अस्पताल की स्वास्थ्य व्यवस्था सुधारने कांग्रेसियों ने रघुपति राघव राजाराम का सहारा लिया। उनका कहना है, इतनी दुर्दशा इस अस्पताल की इससे पहले कभी नहीं हुई। जिस अस्पताल के लिए पंडित श्रीनिवास तिवारी जी का मंत्री पद चला गया था, उससे हम ऐसे बर्बाद होते नहीं देख सकते। कार और मोटरसाइकिल की आमने सामने की भिड़ंत में युवक का हाथ कटा, अस्पताल पहुंचने से पहले युवक की हुई मौत। एक्सीडेंट बैकुंठपुर थाना अंतर्गत मझगवा के पास हुआ। युवक बेलवा तुमियान थाना मनगवा के रहने वाला। नई और ताजा तरीन खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं और देखते रहिए न्यूज नेटवर्क टुडे।